लिव 26, अब एंटरटेनमेंट कभी भी कहीं भी। कैसी लगी फिर? अच्छी थी सर। रेटिंग अगर दूंगा तो 3/5 दूंगा। इसके जो डायरेक्टर है नारायण सिंह, ही हैज़ डायरेक्टेड टॉयलेट एक प्रेम कथा। सो वो भी मूवी थोड़ी सी लंबी थी, ये भी मूवी थोड़ी लंबी थी, दोनों ही सोशल कॉज पे बनी पिक्चर है। बट ओवरऑल एग्जीक्यूशन अच्छा था। शाहिद कपूर की एक्टिंग काफ़ी अच्छी है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई गेस श्रद्धा कपूर का भी रोल अच्छा है। ओवरऑल एक्सपीरियंस ऐसा है कि आप फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ यू विल गोना एंजॉय दैट मूवी। हाँ, कंटेंट के ऊपर ही मूवी चलती है, परफॉर्मेंस ज़्यादा तो ये कंटेंट ही खींचता है मूवी का। क्या कुछ मैसेज देती है? वही रिलेटेड टू जो घपला होता है, झोल होता है, और सब जिनके घर में लाइट वगैरह नहीं पहुँचती है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको भुगतान उसका भरना पड़ता है। फिर से तो नहीं, लेकिन इट्स अ गुड मूवी, रेकमेंड तो करूँगा। 3.5 तक, 3.5। फिल्म काफ़ी अच्छी है। अभी मैं फिल्म देख के निकला हूँ। शाहिद कपूर, श्रद्धा कपूर, स्टारर भतिगुल मेटा चालू। तो फिल्म एक सोशल मैसेज देती है, साथ ही साथ मनोरंजन भी करती है दर्शकों का, तो आप ज़रूर ये फिल्म देखें। शाहिद, यमी और श्रद्धा, क्या कुछ दिखा पर आपको सोशल के साथ? देखिए, शाहिद श्रद्धा मतलब ऐसा कुछ नहीं है, सोशल इशू बहुत अच्छे से दर्शाया गया है, साथ ही साथ एक कमर्शियल एंगल भी दिया गया है फिल्म को, तो बैलेंस रखा गया है। शाहिद, श्रद्धा, यामी सबका अभिनय काफ़ी अच्छा है, बट बेस्ट पार्ट शाहिद है, तो उनके लिए इस फिल्म को ज़रूर देखें। बहुत उमदा, शानदार, ज़बरदस्त, मस्त। देखिए, शाहिद कपूर को पद्मावत फिल्म में हमने देखा था, वो एक राजा की भूमिका में थे, लेकिन यहाँ पर वो एक ऐसे वकील है कि 7.5 साल में उन्होंने अपनी वकालत पास की है और उसके बाद ब्लैकमेल करके पैसे कमाते हैं। हाँ, शाहिद भी अच्छा काम किया। म्यूज़िक बहुत बेहतर रहा है, हर मुद्दे पर हर समय किस तरह से म्यूज़िक का इस्तेमाल करना चाहिए ये श्री नारायण सिंह बखूबी जानते हैं और उन्होंने अच्छे से काम किया। मैं 4 स्टार। थैंक यू। फिल्म बहुत अच्छी है। सबसे ज़्यादा जो इस फिल्म का बेस्ट पार्ट है वो है शाहिद कपूर। एज़ यूजुअल वो अपनी हर फिल्म में बेस्ट ही देते हैं और ये फिल्म में भी बहुत इंटरेस्टिंग उनका कैरेक्टर है। सबसे ज़्यादा मज़ेदार है जो उन्होंने लैंग्वेज यूज़ की है इस फिल्म में, बहुत इंटरेस्टिंग। पहले मुझे इस लैंग्वेज के बारे में पता भी नहीं था कि उत्तराखंड में ऐसी भी कोई लैंग्वेज होती है, बट आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी आई एम रियली एक्साइटेड टू गो टू उत्तराखंड एंड एक्सपीरियंस दिस लैंग्वेज एंड एक्सपीरियंस द विजुअल्स दैट हैज़ बीन शोन इन द फिल्म। फिल्म काफ़ी लेंदी थी जिसकी वजह से थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था कि फिल्म थोड़ी छोटी हो सकती थी, लेकिन जितना भी था फिल्म बहुत अच्छी थी। वहीं अगर मैं आपको गाने की अगर बात करूं तो फिल्म के गाने जैसे कि हमने पहले सुने थे, दैट इज़ देखते देखते एंड गोल्ड तांबा, ये सारे गाने तो हैं फिल्म में लेकिन काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन पे, तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि हाँ एटलीस्ट 2-3 मिनट्स का गाना तो होना चाहिए, बट दे हैव शोन ओनली 1 मिनट, सो दिस वॉज डिसअपॉइंटिंग। एंड फिर से मतलब मैं देख सकती थी, बट बिकॉज ऑफ द लेंदी टाइम आई वुड सजेस्ट दैट इट इज़ वन टाइम वॉच, बट द कॉज इज़ वेरी गुड दैट इट हैज़ बीन शोन इन द फिल्म। एंड इसी तरह की फिल्म से अगर हम ऐसे ऐसे कॉज सामने आते रहें तो कहीं ना कहीं इन पर एटलीस्ट 10% तो लोग नोटिस करेंगे, सो इट वॉज ग्रेट। 3.5। थैंक यू।